नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे हैं। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। स्मोकिंग कॉसेस कैंसर, स्मोकिंग किल्स। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। लिकर ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। पसंद है? मुहूर्त निकाल के हमें खबर करो। जैसा आप कहें। सिर्फ लड़की देखने आए और इतना बंदोबस्त? हम लोगों के दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा हैं। पता नहीं कब कौन हम पर हमला कर दे। भाई, वैसे भाभी हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं तो कहूंगा वो लड़की आपके लिए ठीक नहीं है। जिंदगी भर थोड़े ना रखना है यार। ये लो, तुम भी लो बेटा। शुक्रिया। ये ग्लास भी भैया को ही दे दो ना। बेटा, तुम भैया की फिक्र छोड़ो और अपना ग्लास पकड़ो। लगता है कहीं पर कोई बड़ा हादसा हुआ है। ये आगे ना बढ़े इसी की उम्मीद है। इन सब बातों की फिक्र करने के लिए आपके बेटा क्या है? आप किस गांव के हैं? कर्नूलू। यहाँ आने की वजह क्या? सर, ये लोग मेरे घर लड़की देखने के लिए आए। रुको, ये पंचायत क्यों बुलाई गई है और हमसे इतनी तहकीकात क्यों हो रही है? मुझे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है। मेरे गांव में मेरी हैसियत क्या है जानते हो? मेरी पार्टी के सारे MLA मुझे सर आंखों पर बिठाते हैं। 4 बार मैं MP का इलेक्शन भी जीत चुका हूँ। 2 बार मैं कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुका हूँ। मैं किसी से कम नहीं हूँ, राजनीति में हो या दादागिरी में। और ये कौन है जानते हो? सिर्फ मेरे घर का ही नहीं, इस पूरे स्टेट का एक जांबाज लीडर है। आप कह रहे हैं ये जांबाज लीडर है, फिर भी जनता के दुख दर्द को समझता नहीं। खैर, जो होना था सो हो गया। जो घायल हुए हैं उन्हें इलाज का पैसा दीजिए। इस एक्सीडेंट से हमारे गांव के लोग नाराज हो गए हैं, माफी मांगकर आप जा सकते हैं। क्या? मेरा नाम सुनते ही अच्छा अच्छो की पतलून गीली हो जाती है। लड़की देखने आया हूँ, इसलिए ये सब सहन कर रहा हूँ और चुपचाप खड़ा हूँ। कह रहे हो कि इन 2 कौड़ी के इंसानों से मैं माफी मांगू? Thank you.
नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। ये कॉलेज एक खास मकसद से बनाया गया है। हमें ख्याल रखना है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। इस बार के रिजल्ट में और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ओके मैम। इसके लिए जो जरूरी हो वो कीजिए। ठीक है मैम। आओ बेटा। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा मैं चलती हूँ। तुझे सारा गांव जानता है, अब मुझे भी जान जाएगा। मालिक आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी बेल हो गई है। मालिक ये क्या हो गया? भाई भाई किसने किया? रानी और उसके बेटे को हम लोगों ने किडनैप किया और तेरे ही लोगों के सामने मेरे लड़के के पैरों में गिरकर तेरा पति माफी मांगेगा तो ही मैं तुझे यहां से जाने दूंगा। हमारी बेइज्जती करता है वो, अब तो देखती जा उसकी किस्मत में कैसे बदलता हूँ। किस्मत बदलने के लिए क्या भगवान ब्रह्मा है? आप इस गांव के बड़े हैं तो वो उस गांव के बड़े हैं। मेरे पति की एक कमजोरी है, जो उनके परिवार पर वार करते हैं वो उनका नामो निशान मिटा देते हैं। इंसान ये बात क्यों नहीं समझता कि हिंसा से जंग नहीं जीती जाती? जो इंसान आंसुओं से पिघलता है वो तलवार से नहीं डरता। शेर के सामने गीदड़ों की कभी औकात न थी और न कभी होगी। वो हमेशा जंगल का राजा रहता है। तुमसे वो नहीं डरेगा, नामुमकिन। एक छोटा सा लड़का हम सब पर बिजली बनकर टूट पड़ा भाई, वो देखते ही देखते सबकी लाश बिछाकर चला गया। छोटे मालिक, शायद आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। गर्दन कट गई, जिंदा रहेंगे क्या? हथड़ियां कट गई, जिंदा रहेंगे क्या? भाई अब यहाँ रहना मुश्किल हो गया है, जान प्यारी है तो यहाँ से भागना पड़ेगा। इस गांव में वो दोबारा जरूर आएंगे। मैं किसका बेटा हूं ये मैं उन्हें बताऊंगा। ये मत भूलो कि ये गांव हमारा है, हम उनका इंतजार करेंगे। क्या है ये बेटा, हम किस दिशा में जा रहे हैं? आवाम की फिक्र है पर तुम्हें परिवार की फिक्र नहीं? तुम्हारे दादा, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भैया और आज तुम्हारी पत्नी, कितनी लाशों का बोझ उठाएगा ये घर? तुम्हारा अपना बेटा, तुम्हारा अपना खून भी आज खौफनाक खून की होली खेल कर आया है। जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा। अब तुम अपने बेटे को देखो, इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे रास्ते पर चलकर लाशें बिछा दी इसने। एक सवाल खाया जा रहा है मुझे, क्या हम इसे सही भविष्य दे रहे हैं? भगवान के लिए इसे मौत के तांडव से दूर भेज दो। माँ जी, ये लड़का आज आपके सामने एक सवाल है, लेकिन मुझे इंसाफ का देवता लग रहा है। हर मुसीबत का सामना करने वाला एक शेर इस घर में पैदा हुआ है। अभी तक इस घर में लीडर पैदा हुए हैं, रूलर पैदा हुए हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम इतिहास को रचने वाला पैदा हुआ है, और वो है ये लेजेंड। इसने जो राह चुनी है ये उसी राह पे चलेगा। जितेंद्र अपने साथ की हुई बेइज्जती की आग में जल रहा था।
वक्त गुजरने के साथ बदले की आग भड़कती गई। विशाखापट्टनम की सड़कों पर खून की होली का खेल शुरू हो गया। मेरी बात सुनिए, आपका जमाई हदें पार कर रहा है, कोई नियम नहीं मान रहा, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझा दीजिए उसे। मुझे लगता है उस दिन आपसे गलती हो गई। जितेंद्र ने अपने ससुर जी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। ये पता चलते ही राजा जी को अपने परिवार वालों की चिंता सताने लगी और उन्होंने सभी लोगों को लंदन भेज दिया। चारों तरफ राजा के एक्सीडेंट की अफवाह फैल गई, लेकिन हकीकत में वो एक्सीडेंट नहीं था बल्कि उनका खून हुआ था। राजा के परिवार वालों ने फैसला कर लिया कि हम दोबारा इंडिया नहीं आएंगे। बदले की भावना में जीने वाले जितेंद्र को राजकीय सपोर्ट भी मिलने लगा। जितेंद्र के एक इशारे पर विशाखापट्टनम खून से लाल होने लगा। देश छोड़कर तुम सब विदेश आते हो ताकि मनचाहा जॉब मिल सके। कभी सोचा है तुमने, तुम्हारे यहाँ रहने और खाने पीने का खर्चा कौन उठा रहा है? प्यार से मानो तो ठीक, वरना धंधा करवाने के हमें और भी बहुत से तरीके आते हैं, याद रखना। हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। तुम जब तक बिकती नहीं हो तब तक तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अगर ऐसे ही नखरे दिखाती रही तो कौन खरीदेगा तुझे? यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। सुहेल भाई भागो। रशीद भागो। क्या हुआ, क्या हुआ तुझे? खतरा। क्या बकवास कर रहे हो? खतरे को किससे खतरा हो सकता है? वो बताने का वक्त नहीं है, भाग जाओ, भाग जाओ। Standing over there. Kill him. Go. He's coming like an army of 1 lakh. हमारे एरिया में घुस के हमें मारने की हिम्मत कैसे हुई? हम हिंदुस्तानी, हमारा खाना हिंदुस्तानी, हमारे संस्कार हिंदुस्तानी। तेरा ब्लड क्यों बदल गया ब्लडी फूल?
हमारे देश का नाम बदनाम करता है। Hey man, what are you talking about? What are you talking about? दुबई में नौकरी दिलवाने का वादा करके लोगों को रंगीन सपने दिखाते हो और लोगों को यहाँ पर लाने के बाद उनसे जिस्म फरोशी का धंधा करवाते हो और जो लोग इनकार करते हैं उन्हें मारकर रोड पर फेंक देते हो। तुझ जैसे दरिंदों की वजह से आज कई बेकसूर लोग विदेशी जेलों में सड़ रहे हैं, ना अपने परिवार से मिल सकते और ना ही हिंदुस्तान वापस जा सकते हैं। शाम होने से पहले पासपोर्ट इंडियन एम्बेसी पहुंच जाने चाहिए। पूरी इज्जत के साथ इन्हें इंडिया वापस भिजवाओ, वरना याद रहे अपनी जान की परवाह किए बिना तुम्हारा ऐसे दरिंदे से लड़ना मुझे अच्छा लगा। कीप इट अप। अब चले। है, सब कैसे हो? और क्यों भाई मुखिया, कैसे हो तुम? अरे, कितनी ताजा ताजा मछलियां सजा के रखी है। हा? वैसे कहते हैं कि दरिया हमेशा खजाना नहीं उगलता है, उसके लिए जाल बिछाना पड़ता है, इसलिए अपना काम संभल के किया करो। मौत तो एक दिन सभी को आनी है, लेकिन आपके यहाँ आने का मकसद? अरे तुम लोगों की खातिर पूरी दिल्ली में शतरंज की बिसात बिछा रखी है मैंने। मिनिस्टर साहब खुद मिलने आए हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए काम करते करते मैं आप लोगों के प्यार की वजह से आज इस राज्य का मिनिस्टर बन पाया हूँ। आप लोग खुश तो है ना? अरे तुम लोग नहीं समझ पाओगे, राजनीति का पाठ पढ़ाते पढ़ाते तुम लोगों को बहुत वक्त लग जाएगा, इसलिए कोर्ट में जाकर तुमको कहना है कि जितेंद्र का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, बस इतना सा ही काम कर दो, उसके बाद कोई तकलीफ नहीं होगी। और अगर इनकार किया तो पीछे जितेंद्र के लड़के खड़े हैं, वो अपना काम जानते हैं। इसमें ज्यादा सोचने वाली क्या बात है? तुम तो जानते हो मैं भी इलेक्शन लड़ चुका हूँ। पॉलिटिकल मगरमच्छ से बैर मतलब खुद की जान को खतरा, और ये बात तुम जानते हो। अगर वो लीगली आजाद हो जाता है तो इसमें तुम्हारा क्या जाता है? इन जैसे धोखेबाजों के लिए तूने अपना थूक बर्बाद किया? अरे ये लोग तो हमारे थूक के लायक भी नहीं है। ये केस किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा। जाओ सब अपना अपना काम करो। एमपी को साथ में लाकर केस वापस लेने को कहता है। जितेंद्र तुम यहाँ क्यों आए? मामला सुलझ जाता ही अब तुमने क्या कर दिया? तुमने कहा था ना, सेंटर से मिनिस्टर को बुलाओ, मैं कॉम्प्रोमाइज करवा दूंगा, इसीलिए एक चांस दिया। यहाँ यही होने वाला है, मैं पहले ही जानता था। देखो
एसपी साहब, सर पॉलिटिक्स में ये सब कॉमन है। मैं समझ सकता हूँ सर, लाशें समंदर में डूब जाएंगी, कोई सबूत नहीं बचेगा। गॉड, मैंने सबको मार दिया। कोई शक नहीं, लेकिन वो फिनिशिंग। तुम लोगों ने गिफ्ट खरीदने का जो प्रोग्राम बनाया है उसका बिल देख के मैं ऊपर ही चला जाऊं। तुम्हारा दिल इस लड़की से जुड़ा हुआ है, ये तुम्हारे घर वालों को बताना है, इसीलिए देसी मसाले में मिक्स करके उन लोगों के सामने पेश करना है। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभाऊंगा, कोशिश करूंगा जितना मेरे हाथ में है। आगे तुम जानो, ये जाने और परिवार वाले। देखो बेटा, हम लोगों को उनका दिल जीतना है इसलिए गिफ्ट खरीदा। दुबई में भी तो उनका दिल जीत सकते थे ना अंकल जी। अंकल जी, कृष्णा कृष्णा, इसने मुझे अंकल कहा। देखा भारतीय ड्रेस पहनकर इसके अंदर कैसे बदलाव आ गया। मुँह से हर वक्त गाली का तोहफा देने वाली लड़की आज मुँह से फूल बरसा रही है। बड़ों को सम्मान देना तो हमारे देश की प्रथा है गुरुजी। बी इंडियन और बाई इंडियन में क्या फर्क होता है ये बताओगी मुझे? आपको क्या इतना भी पता नहीं है? फॉरेन कंट्रीज इंडिया से आगे है। देखो बेटी, नासा वालों ने रॉकेट भेजा जरूर, लेकिन उसे बनाया अब्दुल कलाम ने। ये दिमाग सिर्फ इंडिया वालों में है। जनरल नॉलेज बढ़ाओ बेटी। बकवास करता रहता है, तुझे जीके के बारे में बहुत पता है क्या? धूम कटे हुए पागल कुत्ते, चाइना का डुप्लीकेट माल, छछूंदर की औलाद, घो चुका इनका। सम्मान की उम्र इतनी छोटी होती है क्या? नेहा, गुरुजी से फिर बदतमीजी। कृष्णा, तुम्हारा रिएक्शन बहुत लेट आता है, थोड़े पहले आ जाती तो। हवा का रुख देखकर छतरी पकड़ना मैंने आप ही से सीखा है गुरुजी। जो गुरु सिखाएगा वही चेला सीखेगा। ओहो, करेक्ट है। वैसे इसे कितनी लैंग्वेज मालूम है? ये एयर होस्टेस है ना, इसे बहुत सी लैंग्वेजेस आती हैं। ओह, मदर लैंग्वेज को अदर लैंग्वेज से डोमिनेट कर दिया है इसने। कृष्णा, एक काम करते हैं, इसकी भाषा से हमारी और तुम्हारी भाषा तो सत्यानाश हो रही है, तो इसे बचने के लिए मैं तुम्हारे कान में ये रुई के गोले ठूंस देता हूँ। कृष्णा, ये मुसीबत का पिटारा तुम्हारे गुरु कैसे बन गए? जला हुआ कोयला। कृष्णा, तुम तो बच गए, लेकिन इसकी गालियों से लगता है मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। तो आप अपने कान में रुई डाल दीजिए गुरुजी। ओह, इस विकट सिचुएशन में पता नहीं मैं अपने आप को कैसे संभालूं। भलाई इसी में है कि मैं अपना ढक्कन बंद करके पड़ा रहूं। कर कहां जाएगा साले? तू जहां भी जाएगा मौत तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। ये वाइजेक मेरा इलाका है, मेरी इजाजत के बिना यहां परिंदा पे पर नहीं मार सकता। मैं मौत का सौदागर हूं। Hey! से नजदीक के हॉस्पिटल ले जाओ। सेहा, तुम जाके गाड़ी में बैठ जाओ।
गई बाजूट। कौन है बे तू? गाड़ी पीछे ले लो। सड़क के बीचों बीच मार रहा है मुझे। अपना बता दे, तेरे घर में घुस के मारता हूँ। मेरे अंदर एक बुरी आदत है, इज्जत देने वाले को जिंदगी और आंखें दिखाने वाले को मौत देता हूँ। चाकू दिखाकर कान फटने जैसी आवाज में बात करने वाले को देखकर मेरा दिमाग सटक जाता है। यादव, तुम भास्कर हो? तुमने पहचान लिया? बेटा, तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, यहाँ से चले जाओ, यहाँ मत रुको। फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। ये बताइए, आपके यहाँ सब कैसे हैं? हमारे कृष्णा राव, आनंद, सब ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ, सब लोग ठीक ठाक हैं। गुरुवार की रात को राघव जी की बेटी की शादी है, तुम वहाँ पर आओगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, उनकी बेटी की शादी है, उनसे कहना कि मैं जरूर आऊंगा। ठीक है बेटा। बेटा, काफी वक्त जाया हो गया, टायर फट गया है, तुम बोलो तो रिपेयर कर दे। अच्छी बात है। ये गुरुजी कहाँ चले गए? तुमने जो कर्तव्य दिखाया उससे उड़कर वो यहाँ घिर पड़े। कृष्णा, ऐसा एक्स्ट्रा लगेज तुम्हें पसंद है क्या? इसे यहीं पर पड़े रहने दो, वक्त आने पर ऊपर पहुँच जाएगा। बेचारे उम्र दराज है, कहाँ सोएंगे? कोई दूसरा ऑप्शन बताओ ना। शू पॉलिश के लिए स्टेशन भेजते हैं क्या? तुम्हारा कोई अपना होता तो तुम यही करती क्या? चलो तीसरा ऑप्शन बताओ। मेरा चेला मेरे बारे में कितने ऑप्शन सोच रहा है। वेरी गुड। कहीं से छॉपर लाकर इसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देते हैं। अरे फिंगरप्रिंट से हम पर केस हो गया तो जाकर ग्लव्स ले लो। हा? कोई सब नहीं बचेगा। ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। गुरुजी, आप कब जागे? बिल्कुल सही वक्त पर जागा। व्हाट डिस्कशन इज गोइंग ऑन? ये मैम साहब बिल्कुल वही कह रही थी जो आपके कानों ने सुना। मैं सिर्फ सुनता ही नहीं कृष्णा, उस पर अमल भी करता हूँ। तो फिर आप यहीं लेटे रहने के लिए? मेरी नाक तुड़वा कर चार कंधों पर उठाकर राम नाम सत्य है कहकर शमशान ले जाने का इरादा है क्या? तू भी वक्त के साथ रंग बदलता है। गाड़ी तैयार। ओके यार, थैंक यू, भास्कर चलता हूँ। हाँ, ओके बाय। हाँ ठीक है, चलिए। बेटा, तुम इस शहर में आए हो, इस बारे में, मारपीट के बारे में, राघव जी की बेटी की शादी के बारे में किसी से कुछ मत कहना। क्यों? क्या पता कौन हमारा दोस्त है कौन दुश्मन है। बेहतर है इन बातों को हम राजी रखें। सर, कौन है वो? पूरी पुलिस फोर्स लगा दी है उसे ढूंढने के लिए। वो बच के नहीं निकल सकता। जैसे ही हमारे शिकंजे में आएगा हम आपको सौंप देंगे। किसी ने पैसे जमा नहीं करवाए, ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करना होगा, बीपी भी काफी लो है। पैसे मिल जाएंगे, मेरा बेटा सही सलामत है, इसलिए अब तक मेरा बीपी कंट्रोल में है, वरना जानते हो क्या होता? अपनी गाड़ी में वो अकेला था, वो मिल जाएगा हमें सिर्फ दो दिन में ही। उसे XML का कोई ठिकाना? उसे ढूंढ रहे हैं सर। वो वाइजैक से बाहर नहीं निकलना चाहिए सर, देखते ही उड़ा दो उसे। सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कीजिए।
वो एमएलए इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। सर क्या है? चुपके से कदम उठाने में ही समझदारी है। वो क्यों? दुश्मन से बदला लेने के लिए केस को दबाना होगा। आपके बेटे ने पश्चाताप में आकर सुसाइड कर लिया है, ऐसा केस में दर्ज करूंगा। पश्चाताप मेरे घर में? बताइए उसे कब मारना है सर। क्या डॉकयार्ड के हादसे के बाद सिग्नल की वारदात का वो फुटेज और हॉस्पिटल की वारदात का फुटेज दोनों मैच किए? नो डाउट सर, दोनों एक ही आदमी है। क्या ओ, अरे, 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 ये मेरी सोने की बुढ़िया है। अरे तारीफ करेंगे। क्या कुछ गलत कहा क्या? माजी, आपने जो दिन बताया है पंचांग के अनुसार वो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, हम ये विवाह उसी दिन रखते हैं। अच्छी बात है। हाँ तो समधी जी, आपको एतराज तो नहीं? एतराज तो नहीं है, लेकिन जैसे ही सोचता हूँ कि मेरी बेटी दूर जा रही है तो मुझे तकलीफ होती है। अगर आप इजाजत दे तो मैं अपनी बेटी के साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ। ओहो, इसमें इजाजत की क्या जरूरत है? आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। सीएम साहब आ गए। ये क्या है जितेंद्र? नए सीएम को मुबारकबाद देकर मेरे गले लगने के समय में इस तरह का हादसा हो गया? तुम भी इसमें शामिल हो। ये क्या कह रहे हो, मुझ पर शक कर रहे हो? देखो, मुझ पर ऐसा बेबुनियाद इल्जाम मत लगाओ जितेंद्र। सर, छोटू के कातिल का पता लग गया है सर। अरे तू कहाँ जा रहा है? आप इतने टेंस क्यों हैं? ये शादी नहीं होगी बेटा। क्या कह रहे हैं डैड? कृष्णा ने जितेंद्र के लड़के को मारा है। ये तो एक मामूली सी बात है। कृष्णा ने उसे मौत के घाट उतार दिया है। I know about him. No arguments. ये शादी नहीं हो सकती। बेटी स्नेहा, स्नेहा। वही है जो सिग्नल पर उससे बात कर रहा था। इसकी लड़की की शादी में वो यहां आया था सर। छोटे का खून होने से कुछ देर पहले उसे यहीं देखा गया था सर। कहां है वो? कहां है वो? कहाँ है वो? हाँ?
लड़की कौन है? बेटी तुम यहां से चली जाओ। कहां है वो? बेटी यहां मत रुको। कौन है वो? तो मैं पहले प्रपोज मैंने ही किया था, अब हकीकत यही है। वैसे प्यार के मामले में आप सब कुछ हार बैठे हो। हाँ बिल्कुल, अपने जीजा की। हाँ दादी माँ, मुहूर्त के टाइम पर पहुँचना है, लड़की वाले पहुँचे कि नहीं जरा पूछो। अगर सीम को मुबारकबाद दो, ये बात उनके सामने रख देना, बाकी मैं संभाल लूंगा, मैं हूं ना यहाँ पे। मेरी प्यास बुझी नहीं है, कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए, सबकी लाश यहीं रोड पे बिछा दो। मेरे छोटू को मारने वाले के परिवार में कोई ना बचे, इन सब की चिता एक साथ देखनी है मुझे। Yeah.
आप लोग घबरा क्यों रहे हैं? धरती फाड़ कर शेर निकल आया है, अब हर एक के साथ इंसाफ होगा। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। क्या चाहे आसमान में रहो चाहे पाताल में, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। किसी का एक बाल भी बाका हुआ तो दूसरे बेटे की तरह तीसरा भी जिंदा नहीं बचेगा। मैं हमेशा गुमनामी के अंधेरे में खोया रहता हूँ, लेकिन इंसाफ के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए सबसे आगे खड़ा रहता हूँ। और जब मैं आगे आता हूँ तो इमोशंस नहीं चलते, फीलिंग्स नहीं चलती, कैलकुलेशन नहीं चलता, मैनिपुलेशन नहीं चलता। समझा देना उसको, सेंट्रल में हो या स्टेट में, रूलिंग में हो या ओपोजिशन में, देश में हो या विदेश में, जुल्म के खिलाफ मुझे ही पाएगा। वंस आई स्टेप इन, हिस्ट्री रिपीट्स। ये जो इन दो परिवारों की दुश्मनी है, वर्षों पहले तुम्हारे दादाजी के जमाने से ही शुरू हुई थी बेटा। इनमें से जो भी कोई एक जीत के करीब पहुंचता है तो दूसरी तरफ चिता जलती है। पता है पहले वाले को तो हॉस्पिटल में और दूसरे वाले को हमारे सामने बेरहमी से मारने वाला तुम्हारे पिता का दुश्मन है, वो किसी को नहीं छोड़ने वाला। हाँ, चिता को देखकर हम डरने वालों में से नहीं है, वही डर कमजोरी की निशानी है। उसकी फैमिली का खात्मा कैसे करता हूँ देखो। तुम क्या कर लोगे, तुमसे कहीं ज्यादा बहादुरों को वो मौत के घाट उतार चुका है, मौत का सौदागर है वो। तुम्हारे दादाजी को अपने बचपन में ही मौत के घाट उतार चुका है, उसका आज तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसका इतिहास इतना खौफनाक है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। राजनीति में अपनी पावर बढ़ाने के लिए तुम्हारे पिताजी ने बहुत कोशिश की, अपनी पूरी ताकत लगाकर वो अपने भाई को एमएलए बनाना चाहते थे। ये बात सच है कि मैं आपके सपोर्ट से ही एमएलए का सीट जीत पाया था, लेकिन आपके भाई लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है ना सर। इस बार अपनी कोशिश से मैं सिर्फ 4 टिकट ही कंफर्म कर पाया और टिकट नहीं मिल पाई। कुछ एमएलए हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सर, आखिरी वक्त में हमारे पीठ में छुरा घोंपा है। आप सब चाय पीजिए। बचपन से यही सुनता आ रहा हूं। सेम प्रॉब्लम, टिकट के लिए मेरे पिताजी ने करोड़ों रुपए खर्च किए। सब लोग मतलब की बातें करते हैं, इस बार भी वही प्रॉब्लम आ गई है पापा। लगता है हमारा पैसा वेस्ट जाएगा, वसूल लूंगा, दोबारा फिर कोशिश करूंगा। मैंने हार मानना नहीं सीखा है, पता है मैं क्या करूंगा। अपना मतलब निकालने के लिए तुम जैसे कमीने लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं।
Sit down! अब अगर दूसरी लाश नहीं देखना चाहते हो तो मेरा काम करो। सर हम एमएलएच को समझाएंगे सर, आपका काम पूरा करेंगे सर। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा। इन्हें जाने दो भाई, देखते हैं ये क्या कर सकते हैं। कौन कितने पानी में है पता चल जाएगा। मौत का तांडव देखना है तो बताओ या मेरे भाई को जिताओ। रुकिए रुकिए बेटा, इंसान सूखी रोटी खाकर भी किसी तरह जी लेता है। औरों की भलाई करने वाला ही सच्चा इंसान कहलाता है। अपने स्वार्थ के लिए कोई रंग बदल ले वो गलत इंसान होता है। याद रखना, जो खुद तकलीफ झेलता है वही दूसरों की तकलीफ को समझ पाता है। और यही कारण है कि ये सारे लोग मुझे अपना मानते हैं और मुझे यहाँ तक पहुँचाए हैं। मैं यूं ही नहीं इन लोगों का हमदर्द बना हूँ। इन पर कोई जुल्म नहीं होना चाहिए बेटा। हाँ जय काली माँ। ए, कौन है बे तू? अब खुशी की धुन बजाओ। Oh!
ने जो भी किया वो गलत है, इसे हमारी कस्टडी में दे दीजिए। किसी को नहीं दूंगा। प्लीज सर, सर 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 मेरी बात सुनिए सर, प्लीज सर। मुझे टच करता है वे। फ्लूट चूहों के आगे बजाना, शेर के आगे नहीं। समझता क्या है, लोग तुझसे डरते हैं क्या? हाँ डरते हैं मेरी बादशाही ताकत से। हिम्मत है तो तू मेरा सामना करके दिखा। बादशाहत तो तुझे रिश्वत देकर भीख में मिली है, वो तो तेरे ब्लड में है ही नहीं ब्लडी फूल। राजा महाराजा पैदा हुए हमारे खानदान से, और तुझ जैसे लोग हमारे यहाँ झूठे बर्तन धोते थे। तेरी जबान तेरे हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। मेरी सनक अगर हद से आगे बढ़ गई ना। तुझ में सनक कभी कभार होती है, लेकिन मेरे अंदर 24 घंटे रहती है। तू अपनी लिमिट से 1 इंच भी आगे बढ़ा तो यही गड़ जाएगा, फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तेरी कीचड़ भपकी से मैं डरने वाला नहीं हूँ। भाई तू अकेला आया होता तो माफ कर देता, बेहतर इसी में है कि तू अकेला आए। जिंदगी हमेशा मौत से डरती है, तू भी डर। नहीं तो क्या करेगा, मुझे मार डालेगा। जो मैंने कहा है वो करने में एक पल भी जाया नहीं करूँगा, यही जिंदा गाड़ दूंगा। प्लीज सर, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज सर शांत हो जाइए। सर सर एसपी साहब, ये मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। सिस्टम के रिस्पेक्ट कर रहा हूँ इसलिए अब तक शांत हूँ। आप इसे ले जाते हैं कि इसकी कहानी खत्म करो। सर प्लीज, आपके खिलाफ सबूत मिले हैं सर, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। कमीने, मेरे जेल से लौटते ही तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तेरे गला फाड़ने से मैं डर जाऊंगा, ये गलतफहमी मत रहे। शूटर हूँ, खोपड़ी खोल के रख दूंगा तेरी। डोंट चैलेंज मी, ज्यादा भौंक मत। आप अच्छे रहेंगे तो सोसाइटी अच्छी रहेगी, कानून सही रहेगा तो सिस्टम सही रहेगा। मेरा तो एक ही उसूल है, नो बॉस नो रूल।
भैया आप कहाँ गायब हो गए थे भैया? आपके बगैर घर भी कितना उदास लग रहा था। अगली बार हमें छोड़ के मत जाना भैया। उस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम जाओ। प्लीज पहले प्रॉमिस करो भैया। क्या दामाद जी, कृष्णा वहाँ क्यों गया? हमने जो इस घर के नियम बनाए हैं, क्या आप उससे वाकिफ नहीं है? कृष्णा इसी वक्त यहाँ आओ। अभी तुम जाओ। कुछ भी हो, ये शेर आप ही के खानदान का है, अपने ही खून से इतनी नफरत क्यों कर रही है माँ जी? मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे सलामत दीजिए। वो किस राह पर चल रहा है पहले वो देखिए। बंदूकों से खेलना इसके लिए आम बात है। उसके पिता इस रंजिश में मारे गए, लेकिन ये नहीं बदला। जब तक ये पूरे परिवार की लाशें नहीं बिछा देगा, तब तक इसे चैन नहीं पड़ेगा। कोई जिए मरे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए ना हमारे परिवार में और ना ही हमारे दिल में कोई जगह है। उसने कुछ नहीं खोया है, खोया मैंने है। हर पल डर लगता है, कोई भी दुश्मन हमारे घर के दरवाजे पर आकर दस्तक ना दे दे। आज मैं सबके सामने एक जरूरी बात कहना चाहती हूँ। अगर आज के बाद इसकी वजह से मेरे परिवार पर आंच आई, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बड़े मालिक, ये आपके अपने बड़े हैं। राघव जी। बोलिए मालिक। आपने खाना खाया? नहीं खाया मालिक। देर हो गई है, खाना खा लीजिए। और मालिक आप? मेरे साथ आइए।
दीर्घायुष्मान भव। ये सब क्या है? आप भूल गए आज आपका जन्मदिन है। बाकी सभी ने खाना खा लिया? पता नहीं ये दिन दोबारा आएगा या नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? दो बार मौत आकर मुझे छू कर चली गई, तीसरी बार पता नहीं अंजाम क्या होगा। खुशियां कभी कायम नहीं रहती। माना कि खुशियां दो पल के लिए रहती हैं, लेकिन उन्हीं दो पल में दो सदियों की जिंदगी जीनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देखिए आज आपका जन्मदिन है, ऐसे उदास मत रहिए, be happy। मालिक, मिनिस्टर साहब आपसे मिलने आए हैं। और एमपी साहब भी आपसे मिलना चाहते हैं। बुला लूं उन्हें? मैं वहां खुद जाऊंगा। लो वो आ गया, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। आप अंदर जाइए, अंदर जाइए ना, जाइए। हे शुरू जाओ चलो चलो। एमपी साहब जिंदाबाद, एमपी साहब जिंदाबाद, एमपी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, एमपी साहब जिंदाबाद। जनता तो चिल्लाती रहेगी। वो क्या है ना कि जनता अपनी खुशी का इजहार कुछ इसी तरह से चिल्ला चिल्ला के करती है। वैसे आपसे बात करने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर साहब आए हुए हैं। अगर आपके साथ उनकी डील पक्की हो गई तो समझो चांदी ही चांदी। तुम्हारी पोस्ट क्या है? एमपी। एमपी की ड्यूटी क्या होती है? जनता की सेवा। तो फिर तल्ले क्यों बने हुए हो? ये तो मार रहे हैं। वो मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे? उनकी हरकतें ऐसी है कि मार खानी ही पड़ेगी। सुना है आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? क्या बात थी बताइए। तुमने एमपी पे हाथ क्यों उठाया? उन्हें क्या अपने घर का नौकर समझ रखा है? He is leader। बिन पैंदे के लोटे। पॉइंट पर आ। तुम्हारी मदद की जरूरत है हमें। ना लूंगा ना दूंगा। नेक्स्ट। मुझे ऐसा लगता है कि तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। उतना वक्त नहीं है मेरे पास और तुम्हें जानना मेरे लिए जरूरी नहीं है। नेक्स्ट। रिस्क उठाने से डरते हो क्या? डरता हूँ। और मैं बचपन से ही अपना रास्ता खुद तय करता आया हूँ। एक बार मैं ट्रेन को रोकने के लिए उसके सामने दौड़ पड़ा। ट्रेन तेजी से आ रही थी, उसमें भारी भीड़ थी। 10 इंच की दूरी पर आकर ट्रेन रुक गई। इसे तुम क्या कहोगे? रिस्क। और क्या? यही हादसा मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। एक बार तुम ट्रेन को रोकने के लिए उसके सामने दौड़ पड़े। ट्रेन तेजी से आ रही थी, ट्रेन में भारी भीड़ थी। 10 इंच की दूरी पर आकर वो रुक गई। इसे तुम क्या कहोगे? रिस्क कहूंगा। और क्या? जो ट्रेन तुम्हारे सामने है वो कौन है जानते हो? मैं हूँ। अपनी तकलीफ लेकर जो आता है उसे मैं सीने से लगाता हूँ। अपने स्वार्थ लेकर आता है उसे मैं अपनी जूते की नोक पर रखता हूँ। मेरी पावर क्या ये जाने बिना तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? पावर तेरा? तू तो बिना एड्रेस बिना स्टैम्प का एक खाली लिफाफा है। और मैं तलवार की नोक पर राज करने वाला पावर हूँ। तू है लॉटरी, मैं हूँ हिस्ट्री। तुम्हारी हिस्ट्री मेरी हिस्ट्री के आगे दो कौड़ी की भी नहीं है। अगर मैंने एक स्विच भी दबा दिया ना, हवा के झोंके की तरह उड़ जाओगे। अपने दिल की तसल्ली के लिए जरा अपने उस फैन का स्विच ऑन करके देख ले। तो मुझे गायब करने की बात कर रहा है, मेरा बाल तक नहीं हिलेगा। लेकिन अगर मैंने तहाड़ लगाई तो तेरा नामो निशान मिट जाएगा। मुझ में ईश्वर की दी हुई शक्ति और लोगों का विश्वास है जो मेरे लिए जान तक देने को तैयार है। आजमा के देख, मेरे एक इशारे पर तेरे ही पालतू सड़क पर तेरा मजाक उड़ाएंगे। हिस्ट्री रिपीट होती रहेगी। आई टेक इट एज ए चैलेंज। उसी राज्य में जिस राज्य में मैं अभी हूँ, उसी कुर्सी पर बैठकर जिस कुर्सी पर अभी बैठा हूँ, जितेंद्र को तुम्हारी जगह बिठा कर ही दम लूंगा। पूरी ताकत लगा दे, असेंबली के गेट तक नहीं पहुंच पाएगा। तू बीपी का मरीज है, ज्यादा चिल्ला मत, हार्ट फेल हो जाएगा। मेरा बीपी हाई होगा तो कुछ भी सलामत नहीं रहेगा। इनकार कर रहे हैं? हाँ भाई साहब,
जब पैदा करने वाले को इतराज नहीं तो आप मना क्यों कर रहे हैं? आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो क्या है ना, उसके कोख में फिर से लड़की है, ऐसा डॉक्टर ने कहा, इसलिए गिरवाना चाहता हूँ। लड़की है तो इसमें गलत क्या है भाई साहब? क्या मतलब है, पहले मेहनत करो, पैसे जुटाओ, फिर उसकी शादी में सब लुटा दो। इनका कहना भी गलत नहीं है, लड़की तो पराया धन होती है और जब वो ससुराल जाती है तो बाप कंगाल हो जाता है। सुनिए जी, कोई भी फैसला लेने से पहले घर के बड़ों से बात कर लेनी चाहिए। बहन जी, अभी तक तो इस घर में हमें लड़कियों की ही सूरत देखने को मिली है, वो फैसला लेंगी। आगे चलकर हमारे खानदान का नाम रोशन कौन करेगा? अपने खानदान का नाम रोशन करने के लिए एक चिराग तो चाहिए ना। क्यों भाई साहब, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? देखिए ओके ओके, इस बारे में हम लोग कल बात करेंगे। भाई साहब थोड़ा बाहर चलेंगे? लेकिन मेरी बात तो सुनिए, मेरे फॉर्म में आप इन्वेस्ट करने वाले तो अभी तक किया नहीं। वो हमारे घर की बच्ची के साथ ऐसा जुल्म कैसे कर सकते हैं? मैं उनसे बात करूंगी, चलो। लेकिन मुझे लगता नहीं उनसे बात करके कोई फायदा होगा। राजू, सामान अंदर लेके आ। अरे संभल के चलना, कहीं फिसल गए तो क्या होगा? नमस्ते सासू माँ, सबकी तबीयत तो ठीक है ना? सबका चेहरा इस तरह से उदास क्यों है? ओहो, आप लोग इस तरह से मुझे घूर करके क्यों देख रहे हैं? बड़ी साली साहब को देखो, वो भी नजर झुका कर खड़ी है। अरे साड़ू साहब, आप इस तरह से उदास रहेंगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरे पापा जी ने ये कहा है कि जब तक मेरी बहू चार लड़कियां पैदा नहीं कर लेती है तब तक आकर के मुझे सूरत मत दिखाना। नीचे उतरो बेटा। वेरी गुड, जाओ बाहर जाके खेलो मेरी प्यारी बेटिया। मैं मार्केट जाके आता हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाएगी, शाम को मिलता हूँ सबसे, तोहफे लेकर आऊंगा सबके लिए। आप जैसा कह रहे थे वैसा तो कुछ नहीं लगा। समझ नहीं आ रहा ये बदलाव कैसे। ठीक है, भगवान का शुक्र है उसका दिल बदल गया, बच्ची की जान बच गई, इसी खुशी में मैं मंदिर में दिया जला के आती हूँ। ये हुआ कैसे? मामा जी आप कैसे हैं? एक बार फिर से मुझे मामा कह के पुकारो। मामा जी। जाओ जाके खेलो बेटा। ओके मामा जी। तुमने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? तुम कैसी हो, ठीक तो हो ना बहन? तुम बात बात पर इस तरह मुझे मार क्यों? तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे दिनों में रोना नहीं चाहिए। तेरा बड़ा भाई अभी जिंदा है, अपनी जान देकर तेरी बेटी को बचाएगा। राघव जी। जी मालिक। बहन की कोख में लड़की है इसलिए ये लोग अबॉर्शन करवाना चाहते हैं। ये बेवकूफ भूल गया है कि औरत ने इसे जन्म दिया और औरत ने इसे बाप बनाया। इससे मुझे एतराज नहीं तो आपको क्यों है? मुझे एतराज है। लेकिन वजह क्या है? एक नन्ही सी जान का खून करने की इजाजत तुझे किसने दी? तो क्या हुआ? क्यों मार रहे हैं? तेरी माँ अगर तुझे गिरा देती तो। अरे देखो ये मेरे बेटे को मार रहे हैं, कोई आके मेरे बेटे को बचाओ। ये ठीक नहीं है, ये सब क्या है? ए, इसको भी मारो। क्या चल रहा है? क्या लगा रखा है? राजा क्या? ए, तुम्हारा क्या जाता है? हमारी बेटी है, उसके साथ जो चाहे करेंगे। तुम कौन हो बोलने वाले? लड़की को जन्म से पहले ही मार देना कौन सी बड़ी बात है? लड़की कल हम पर बोझ बनेगी, तुम्हारा क्या जाएगा? गांव की इज्जत बचाने के लिए ऐसा किया तो वो गलत नहीं है, धर्म है ये धर्म। एक लड़की एक माँ की कोख में पल रही है, उसे मारने वाले का सपोर्ट करना बिल्कुल गलत बात है, इसीलिए पीटा इसे। आंसू पोंछने के लिए माँ चाहिए, बच्चे पैदा करने के लिए बीवी चाहिए, राखी बंधवाने के लिए बहन चाहिए, घूमने फिरने के लिए गर्लफ्रेंड चाहिए, लेकिन बारी जब बेटी की आती है तो नहीं चाहिए। क्यों? ये तेरा हिमायती है ना, बुरे वक्त में ये साथ नहीं देगा, साथ देगी तेरी बेटी। ऐसा पाप करने के लिए ईश्वर भी माफ नहीं करेगा तुझे। मैं दुआ करता हूँ कि मेरे घर में सिर्फ बेटियां हों।
घर में बेटी पैदा होती है तो लॉस का कैलकुलेशन, बेटे के लिए प्रॉफिट का कैलकुलेशन, अपनी गलतियों का कैलकुलेशन कोई नहीं करता। छी, ब्लडी हिपोक्रेट्स। लड़कियों को हवस का सामान और घर की नौकरानी नहीं समझना चाहिए, उसे तो घर की देवी समझना चाहिए। बिना स्त्री के ये संसार नहीं चलता, बिना स्त्री के कोई जन्म नहीं ले सकता, बिना स्त्री के जिंदगी नहीं चलती, बिना स्त्री के उद्धार नहीं होता। बिना स्त्री के ये संसार नहीं चलता, बिना स्त्री के कोई जन्म नहीं ले सकता, बिना स्त्री के जिंदगी नहीं चलती, बिना स्त्री के उद्धार नहीं होता। इसलिए किसी भी मर्द को औरत जात पर जुल्म नहीं करना चाहिए, और अगर वो ऐसा करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। I will show him the hell. क्या हुआ? बेल करवाने की सारी कोशिश नाकाम हो गई, सबने हाथ उठा लिए। अब जेल से बाहर आने का इंतजाम आपको ही करना होगा। एमपी ने भी मना कर दिया, वो भी बदल गया। मुझे मोहरा बनाकर वो खुद दिल्ली चला गया। तो फिर तुमने क्या सोचा है? हमें बदला लेना है। देखो भाई, कितना भी महंगा हो चलेगा, लेकिन चीज प्यारी होनी चाहिए ताकि पहन कर ये खूबसूरत लगे। बड़े दिनों बाद शॉपिंग पे निकली है। था बेल नहीं हो पाएगा। जितेंद्र का बेल हो गया है, बाहर आ गया है वो। एपी के एमपी को खबर कर दो कि घर आ गया हूं। सर, आपका बेल करवाने वाला अंदर है। हमने इतने पैसे खर्च किए तो भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनकी एक आवाज तक था। मेरे घर पर आकर मेरा नमक खाकर तू उसकी तारीफ कर रहा है? मेरी बेइज्जती करने वाले को मैं इसी वक्त दुनिया से उठा दूंगा। हे, बाहर निकाल। सर, बेहतर होगा कि आप ही अंदर चले जाएं। मेरा छोटा भाई कहाँ है? तेरे बाप को मारा, तू कुछ नहीं कर पाया। तेरे छोटे भाई को मारा, तू कुछ नहीं कर पाया। तेरे घर के आंगन तक आ गया, कुछ नहीं कर पाया।
क्या बोलता है? कुछ करने का दम है तुझमें? अगर है तो सामना कर, I'm waiting। मेरे भाइयों को मारने के बाद तू सोच रहा है मुझे भी मार डालेगा? तेरे नर्क जाने की सड़क तैयार कर रहा हूँ, तू आज नहीं बचेगा। रुक जाइए भैया। डर मत बहन, इसे तेरे सामने नहीं मारूंगा, जा यहां से। तेरी बीवी ने तेरी जान बचा ली, इज्जत की जिंदगी जिएगा तभी तो सर उठाकर जी पाएगा, स्वार्थी बन के जिएगा तो जिल्लत ही पाएगा। कितनी औरतों को विधवा बनाया, कितने लोगों को ठगा तूने, पूरे गांव में दहशत फैलाई, तुझ जैसे को जीने का कोई हक नहीं है। फिर भी तुझे आखिरी मौका देता हूं, 6 घंटे का वक्त है तेरे पास, उसके अंदर इस गांव को छोड़ दे वरना बचेगा नहीं तो। गेट आउट ऑफ माय सिटी। छोटे मलिक, ये सब क्या हो गया? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? चलिए चलिए घर चलते हैं। कृष्णा, तुम्हें डर नहीं लगा? जब भाई साथ में हो तो किस बात का डर? दामाद जी, हमारे लंदन जाने का इंतजाम करो, कृष्णा की पढ़ाई वहीं होगी और ये वहीं रहेगा। इस देश से और अपने बड़े बेटे से दूर चले जाएंगे। मेरे लिए तुम लोगों की सुरक्षा सबसे अहम है। वेंकट जी को फोन करके कहो कि सारे इंतजाम करके रखें। माँ जी, मुझे कहा गया कि आपको साड़ी पसंद है, मुझे ना पसंद होते हुए भी मैंने पहनी। यहाँ खाने को कहा तो खाया, भगवान के आगे अपना माथा टेकने को कहा वो भी किया, लेकिन आप उनसे दूर जाने के लिए मत कहिए माँ जी, ये जुल्म मैं नहीं सह पाऊंगी क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ। ये हो नहीं सकता। लेकिन क्यों? मैं अपनी माँ की मौजूदगी में ही शादी करूंगा, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आएगी और ना ही मैं तुम्हारे साथ कहीं दूर भाग कर शादी करूंगा। किसी को धोखा देकर उनका दिल दुखाकर तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मैं रीति रिवाजों के साथ तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। कितनी भी मुश्किलें आए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे दिल को छूने वाले ये सारे अल्फाज आपके बेटे के हैं, मुझे उनसे दूर मत कीजिए माँ जी। रोक लो खुद को, उसके साथ शादी का मतलब है मौत को गले लगाना। लाचारों की रक्षा के लिए आपके यहाँ शेर पैदा हुआ है, वो उनका फर्ज है, जो ऐसा फर्ज निभाते हैं लोगों के दिल में रहते हैं, और जो जुल्म सहते हैं उसे बुज़दिल कहते हैं। ये याद कीजिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए यहाँ पैदा हुआ है एक लायन, और दुश्मनों पर हुकूमत करने वाला वो है एक डिक्टेटर, लॉ एंड ऑर्डर को सही दिशा दिखलाने वाला एक रूलर। माँ जी, देवता कोई भी अवतार ले सकते हैं, आपकी छत के नीचे इंसाफ का एक देवता आया है, उस भगवान को भी धरती पर होने वाला जुल्म तो दिखता ही होगा ना। उसी जुल्म को जड़ से मिटाकर खत्म करने के लिए मेरे पति ने इस धरती पर जन्म लिया है। आप उस देवता को पहचान नहीं रही, इसलिए उन्हें घर से बाहर रखा हुआ है। ऐसा अन्याय आप कैसे कर सकती हैं? आप घर की बड़ी हैं, आप हिम्मत कैसे हार सकती हैं? आपके इस गुरूर की वजह से आज वो इस वक्त बाहर है, दुनिया हम पर हंस रही है, उन पर इतना जुल्म करने के बावजूद हम पर कोई भी कष्ट आता है तो वही पहुंचते हैं, उनका बस शरीर वहां पर है, उनकी आत्मा यही इस घर में है माँ जी, यही पर है। तुम्हें इतना बोलने की इजाजत इसलिए मिली क्योंकि दामाद जी के दोस्त की बेटी हो। मैं हार जोड़ती हूँ, हमारे घर की समस्या से दूर रहो, इसी में भलाई है। रुकिए, मैं बात करता हूँ माँ जी।
विदेश में पली बड़ी लड़की के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। तुम यहाँ से चली जाओ। चली जाओ यहाँ से। क्या कर रही? मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। वो इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। घर वाले नहीं माने, इसलिए घर छोड़ दिया। अब आप ही बताइए, मैंने सही किया ना? वैसे मुझे तुम्हें रोकने का कोई अधिकार नहीं, फिर भी तुमने घर वालों का दिल जीता है, उनसे घुल मिल गई, इसलिए ये ठीक नहीं। तो ठीक क्या है बताइए ना। देखिए, आपकी दीदी को कुछ हुआ तो जीजा जी हैं, आपकी दादी को कुछ हुआ तो सबके सब हैं, लेकिन आपका यहाँ ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। मुझे आपसे मोहब्बत है, इनकार मत कीजिएगा। इस बारे में मैं कभी नहीं सोचता। घर से निकलते वक्त पता नहीं होता कि लौटूंगा कि नहीं। ये बिना गारंटी की लाइफ क्या तुम्हें मंजूर है? गारंटी वारंटी देखने के लिए, ये कोई बिजनेस डील नहीं है, जिंदगी है। मुझे आप पसंद हैं, हर हालत में पसंद हैं। आपकी बातें मुझे पसंद हैं, आपके साथ बिताया हर पल मुझे पसंद है। तुमने सिर्फ इस गाँव का ही भला नहीं किया, बल्कि इतनी सारी अनाथ बच्चों को सहारा दिया है। उन्हें दो वक्त की रोटी खिलाते हो, भटके हुए को सही रास्ते पर लाते हो। एटलीस्ट सिर्फ एक दिन के लिए अपनी पत्नी बनाकर मुझे अपने कदमों में जगह दे सकते हो, प्लीज। वहां जाकर मैं भूल तो नहीं जाएगी। आई आई। जल्दी बैठिए, जल्दी जल्दी बैठिए, बैठिए प्लीज। वो तुझे ढूंढते हुए यहां जरूर आएगा। गांव छोड़कर जाने के लिए उसने मुझे मजबूर किया था। मेरी तब से सनकी हुई है जब उसने मेरे गाल पर तमाचा मारा था। उसने मेरा घर तबाह कर दिया, लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की। उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, खत्म कर डालूंगा मैं उस कमीने को। से ललकार कर बड़ी गलती कर दी। देख तेरे सामने शेर खड़ा है, वही सजा देगा तुझे। दो मिनट दो मुझे। Jalare gina toka pranayamuga.
पास थोड़ी देर। श्वेता, 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 श्वेता आंखें खोलो, श्वेता देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ, श्वेता मेरी बात सुनो, श्वेता आंखें खोलो ना, श्वेता श्वेता गाड़ी ले आओ जल्दी, हॉस्पिटल जाना है मुझे, मुझे घर ले चलो, मैं घर जाना चाहती हूँ। सर शीट्स, तेरे कलेजे को ठंडक। हमारे परिवार के और कितने लोगों को शमशान पहुंचाएगा तू? तेरा इस घर पर कोई हक नहीं और ना ही हमारी जिंदगियों पर कोई हक है। तूने जो रास्ता चुना है वो सिर्फ मौत की ओर बढ़ता है, इस पर चलकर कुछ हासिल नहीं होगा। हर घर में खुशियों के दिए जलाए जाते हैं, लेकिन हमारे घर में दिए के बदले चिता जलती है। अब मैं अपने लोगों की लाशों का बोझ नहीं उठा सकती। लोगों का दुख मिटाते मिटाते तेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए, वो दर्द तो मैंने किसी तरह सह लिया, लेकिन तूने जो ये तांडव शुरू किया उससे अपनों की लाशों का दर्द मैं नहीं
कैसे पाऊंगी? तूने गुनाह किया है तो तुझे सजा भी जरूर मिलेगी। तू इसी वक्त हमसे दूर चला जा। अगर आज के बाद तूने अपनी मनहूस सूरत हमें दिखाई या हमसे कोई रिश्ता रखने की कोशिश भी की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। अब जा यहाँ से, चला जा। वो जब से लौट कर आया है बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। जब तक वो बाहर था हमारी पांचों उंगलियां घी में थी, अब बाजी उसकी तरफ हो गई है। तुम्हें मैं इसलिए एक सलाह देता हूं। देखो, तुम यहां रहोगे तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। वो पहले ही 3 कत्ल कर चुका है। अगर मेरी पावर का सही इस्तेमाल किया होता तो उसे अच्छा सबक सिखाते। हमेशा काम शांति से करना चाहिए। तेरा बाप ये बात नहीं समझता है। छोटे वाले को शांति से सुला देते तो उसका भाई भूचाल बन के नहीं आता। ऊपर से तेरा बाप हमेशा मेरे कंधे पर रख के बंदूक चलाता है। प्रैक्टिकली जो कुछ भी तुम कह रहे हो बिल्कुल करेक्ट है। जिसको मैंने बनाया उसका फायदा उठाना कोई गलत बात है? मेरे सामने खड़े होकर बात करने की हिम्मत किस में है बता? मेरे पास ये पावर है, वो पावर है, ऐसे पावर है। ये बोलना बहुत आसान है लेकिन साबित करना मुश्किल। किसके दिल में मेरे लिए क्या रखा हुआ है ये मेरी समझ में आ गया है। मेरे बगैर तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकते। तुम सिर्फ खुदकुशी कर सकते हो। जितेंद्र, यू आर ऑलवेज परफेक्ट। तुम्हारी कुर्सी पक्की समझो। सीएम तुम्हारा नाम अनाउंस करने जा रहे हैं। इस वक्त तुम क्या सोच रहे हो ये मैं जानता हूं। तुम पर क्या बीत रही है ये भी जानता हूं। तुम्हें अपने आप को संभालना ही होगा। तुम्हारे दुश्मन ने मुझे बहुत बड़ा चैलेंज किया है। तुम्हें जीतना ही होगा। मैं तुम्हें उस सीट पर बैठा देखना चाहता हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। बस तुम हैदराबाद पहुंचो। कुछ एमएलएस के बीच में रहकर उनके बीच दरार डालनी है। मतलब मेरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हो? सभी एमएलएस को वाइजग में इकट्ठा करो। ग्रैंड पार्टी का इंतजाम करो। जो जितना मांगता है उसे उतना माल दो और जो इनकार करता है उसे दुनिया से विदा कर दो।
अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। कुछ दिनों के बाद आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। इसे भगवान की लीला ही समझिए। कर दीजिए दादी माँ, मैंने जानबूझकर दुश्मनों को दावत नहीं दी। पौनी को कौन टाल सकता है। एक काम और बचा है जिसे पूरा करने के बाद आपके सामने कभी नहीं आऊंगा। इंसाफ के लिए कफन बांधने वाले तुम एक शेर हो। तुमने जो कुछ भी किया हालात को देखते हुए वो बिल्कुल गलत नहीं था। तुम्हें अपने परिवार वालों की फिक्र थी। तुम्हारी इस बात को मैं कभी समझ ही नहीं सकी, कभी पहचान ही नहीं पाई। तुम्हें खुद से दूर भेजा ये सोचकर कि शांति से रहेंगे, लेकिन तुम्हारे बगैर हम जी नहीं सकते, ये बात आज समझ में आई है। अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है, अपनों के लिए जो जिए सही मायने में वही जीना सही जीना है बेटा। अपनी खुशी के लिए मैंने तुम्हें अपनी नजरों से दूर कर दिया था बेटा। जिंदगी भर तुम अनाथ की तरह रहे, इसके लिए मुझे माफ कर दे। दादी माँ, नहीं दादी, नहीं दादी माँ। जितेंद्र, एमएलए वाइजक से आने के बाद यहाँ पर नहीं आए। क्यों? अब मैं वो कैसे बताऊँ कि बोलो। वो लोग पलटी खा गए। ये क्या बात हुई? इतने कम समय में तुमने इतनी सारी पार्टियां बदल दी। बाप रे बाप, तुम तो बड़े तेज निकले भाई। हाँ। क्या कर सकते हैं, राजनीति है, वक्त के हिसाब से पैंतरे बदलने पड़ते हैं। ये सही बात है। अरे सुब्बा राव जी, आप भी तो कुछ बोलिए ना, आप तो पुराने खिलाड़ी हैं, आपने तो पार्टी बदलने में रिकॉर्ड बना लिया। अरे यार, वो जितेंद्र को टिकट देने के लिए हम सबको पैसों से तौल रहे हैं। एक तरफ वो नोट की गड्डी दिखाते हैं, दूसरी तरफ गुर्राते हैं, तो ऑप्शन ही क्या बचा। अक्सर ताज होटल के सिवाय कहीं और ना मिलने वाले महान हस्ती आप भी यहाँ पधारे हैं। यहाँ नहीं आता तो सीधा शमशान पहुँच जाता। तो गुरु जी, वो महान हस्ती कहाँ है जिन्होंने हमें दुगनी कीमत देकर खरीदा है? उनका अब और इंतजार नहीं होता। लगता है शेर आ रहा है। इसके साथ रहने में बहुत फायदे हैं। आपको क्या चाहिए? मुझे बिजनेस करना है। वर्षों से अपनी पार्टी के लिए दिन रात करके मैंने बहुत मेहनत की है। बदले में उन्होंने मुझे क्या दिया? उन्होंने मुझे धोखा दिया और सारे के सारे गिरगिट की तरह रंग बदल दिया और मुझसे कहा कि तुम्हारी हैसियत नहीं है, जाओ अपना काम करो। माना कि मुझसे भूल हो गई। वो क्या हुआ कि एक एकड़ जमीन मैंने अपने कब्जे में कर ली और उसे मैंने अच्छी कीमत लेकर बेच दी। ऐसी छोटी मोटी जमीनों पर लोग कब्जा तो करते ही रहते हैं। जनता की आपके बारे में क्या राय है? मेरे जैसा मेहनती और कोई है क्या? नो वन। पूरी मेहनत से रेलवे में घपला किया, कोई कुछ नहीं कर पाया। मेरे गांव में शॉपिंग मॉल बना के दिया, गांव वाले खुश हो गए। इसलिए अब मैं जो भी कहता हूँ तो बेवकूफ जनता चुपचाप मान लेती है। आपकी क्या राय? मैं अब और बढ़ा चढ़ाकर आपके सामने क्या कहूँ। जनता हमें वोट देती है हमारा काम देखकर, और जनता की इच्छा पूरी करना हमारा फर्ज है। इस हिसाब से जो भी चलेगा वो कभी फेल नहीं होगा। और मान लो अगर गलती से कोई फेल हो भी गया तो वो घर में बैठकर भी जनता की सेवा कर सकता है। इसी तरह मुझे भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे देश का हर नेता कैश या बोल बचन से नहीं बिकता है। सर, अपनी एरिया का सारा टेंडर मैं ही लेता हूँ। एक 50 CR की कीजिए, नेताजी काम खत्म नहीं होने देंगे। और उस रकम को अगर आप 80 CR कर देंगे तो सब काम छोड़कर ये उसी में लग जाएंगे। क्लियर है सर? कुछ भी काम कराना हो तो पैसा बहुत जरूरी है, वरना काम पूरा नहीं होता। अपने पुराने पार्टी से बोर हो गया था, इसीलिए हवा पानी बदलने के लिए इधर आया। जनता आपके बारे में क्या सोचती? वो तो भेड़ बकरी है सर जी। जब भी चुनाव का वक्त आता है मैं 50 करोड़ लैपटॉप के जरिए क्रिकेट मैच के दांव में लगा देता हूँ, और उसके बाद क्या होता है ये आप नहीं जानते हैं सर।
जो भी पैसा हम इस मैच के जुए में जीतते हैं, उस पैसे से लोगों को बिरयानी खिलाते हैं और दारू पिलाते हैं। वही लोग चुनाव के समय मेरे लिए नारा लगाने का काम करते हैं। इस तरह से मैं लोगों को अपनी मुट्ठी में रखता हूं सर। सर, हर कोटेशन के लिए मैं आपको एक सीआर देने के लिए तैयार हूं सर। अब पुराने सिस्टम को उठाकर फेंक दीजिए, पुराने सिस्टम का यहां कोई काम नहीं है सर। आपके एरिया में जनता को बहुत प्रॉब्लम्स है, उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, इसलिए आप लोग पार्टी बदलना चाहते हो। यहाँ ईमान किसी के पास नहीं है। सीनियर अगर हमारी मदद ना करे तो आप ही बताइए हम भला जनता की सेवा कैसे करेंगे। आज के स्वार्थी दौर में जनता जनता करके क्या बीन बजा रहे हो? मैं कहां पर हूं? एक थप्पड़ में तुम्हारी ये हालत है। सोचो अगर घूंसा पड़ता तो क्या होता। आपने इसे क्यों मारा? आपको क्या हक बनता है? हम यहां से वॉकआउट कर रहे हैं अभी। उस वॉकआउट को नॉकआउट कर दिया इसने। इधर आओ। तुम्हारी माँ की उम्र क्या है? 75 साल। उन्हें किसी भी कीमत पर बेचोगे? माँ को कोई बेचता है सर? फिर अपनी माँ समान पार्टी को क्यों बेच रहे हो? कितनी महान हस्तियां इस कुर्सी पर बैठकर चली गई। जितेंद्र जैसा शैतान इस कुर्सी पर ना बैठा, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलवाया। तुम लोगों के दिल में जनता के लिए कितना प्यार है अब समझ में आया। जब अपनों की बात आती है तो ईमान, धर्म, कर्म, फर्ज सब कुछ याद आता है तुमको। जब मंत्री बन जाते हो तो ईमान गया, धर्म गया, कर्म गया, फर्ज गया, यहाँ तक कि जनता की दुर्दशा करते हो। सत्याचार को रोको, अपने एरिया में जाओ, एक एक घर में जाओ और पूछो उनसे कि उनकी समस्या क्या है, वरना तुम लोगों की समस्या बढ़ जाएगी। Be careful! उन्होंने कितनी सही बात कही है, हमारा फर्ज याद दिला दिया। चलो
है भैया, भगवान का रूप है। महान हस्तियां कह गई हैं, समाज ही मंदिर है, जनता उसका देवता। मैं भी यही मानता हूँ। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं यूं ही लड़ता रहूंगा। असली नायक वो होता है जो हक के लिए लड़ता है, वो इंसाफ की सेवा करता है ना कि अपनी सेवा। There is no king in the democracy, only people are the rulers। निर्णय भी आपका और विजेता भी आप ही। यथो धर्मा तथो जया, जहाँ पर धर्म है वहाँ अवश्य जीत है। This is the victory, आपकी victory।